हेलो, मैं प्रोफेसर सुकांत चौधरी। हम अभी करेंगे ब्रोनिस्लो मालिनोवस्की का प्रकारवाद हिंदी में। कोशिश करेंगे हिंदी में। मालिनोवस्की पोलैंड बोर्न और नौकरी की इंग्लैंड में, फील्ड वर्क के ट्रोबियन द्वीप समूह में। ट्रोबियन द्वीप समूह न्यू गिनी के पास है, उधर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के पास। ऑल राइट। 1914 से 1918 के बीच में फील्ड वर्क किए, क्षेत्रीय कार्य इंटरमिटेंटली बारी 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 में किए। टोटली 4 साल वहाँ नहीं रहे हैं, ये कुछ गलतफहमी कुछ लोगों ने फैलाया। 4 साल नहीं रहे, 14 में गए, 15 में आए, फिर 17 में गए, 18 में आए। ऑलराइट। और एनीवे, सो कहा जाएगा 4 साल बारी बारी में गए, लंबा तो है ही, और एक कंटिन्यूटी रहा, टच रहा उनका। और उन्होंने फील्ड वर्क को एक मेथड ग्रुप में एस्टेब्लिश किया, तभी वो फील्ड वर्क जाना जाता है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा जो लोग फील्ड वर्क किए हैं और प्रोड्यूस किए हैं, उनका काम काफ़ी यू नो प्रचलित है और पॉपुलर है, लोकप्रिय है, थ्योरीज भी लोकप्रिय है। कहते हैं कि कम से कम 1 साल रहना पड़ेगा फील्ड में, और वहाँ का भाषा सीखना पड़ेगा। कोई इंटरप्रेटर नहीं होना चाहिए, यानी कि अनुवादक नहीं होना चाहिए, कोई ट्रांसलेटर नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई द्विभाषिया नहीं होना चाहिए, इंटरप्रेटर। और वहीं रहना है और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन करना है, सहभागी अवलोकन, आप जानते हैं, वहाँ रहना है, वहाँ का सदस्य बनना है, वहाँ का सदस्य का दृष्टिकोण अपनाना है, तभी आपको समझ में आएगा। इनका 2 प्रमुख पुस्तकें हैं, 1922 में आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, वही ट्रोबियन आइलैंडर के ऊपर आधारित है, और दूसरा पुस्तक है ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर। ये मरणोपरांत आया था, उनका जीवन काल है 1884-1942, ठीक है, 44 में आया था ए साइंटिफिक थ्योरी ऑफ कल्चर, जिसमें इन्होंने प्रकारवाद को अच्छी तरीके से समझाया है। बाकी कई किताबें हैं, एजेंडे के ऊपर किए हैं काम, उनके ऊपर किताबें हैं। देन सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस एक किताब है, देन सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी एक और किताब है। ये किताब ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, ये दोनों किताबें इम्पोर्टेंट हैं। 1925 में एक शोध पत्र के माध्यम से उन्होंने प्रकारात्मक विश्लेषण दिया था, ठीक है, वो इतना पॉपुलर नहीं है वो शोध पत्र, बट एनीवे, क्या आइडिया है इनका? टोटल आइडिया है कल्चर के ऊपर आधारित। संस्कृति सब कुछ है, संस्कृति के सारे अंग प्रकारात्मक है, क्योंकि वो अपने क्रियाओं के द्वारा अपने आप को चलाता है और संस्कृति को भी चलाता है। ओके। और क्या है ये क्रियाएँ क्यों होते हैं? क्योंकि इन्होंने एक आवश्यकता का सिद्धांत दिया, नीड थ्योरी ऑफ फंक्शनलिज्म, आवश्यकता के ऊपर आधारित प्रकारवाद का सिद्धांत। क्या है कि मनुष्य की आवश्यकताएं पूर्ति होती रहती है, उसी प्रकार समाज में इंटीग्रेशन, एकीकरण हासिल होता है और समाज चलता रहता है। और ये जो आवश्यकता का सिद्धांत है, ये आवश्यकता पूरा कौन करता है? आवश्यकता की पूर्ति संस्कृति अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग है, आपको आगे मैं बताऊंगा कि जैसे कि खाद्य, खाना कौन देता है? अगर पूछेंगे सिंपलिस्टिकली, मेनी पीपल वुड से 2 चॉइस दीजिए, नेचर की कल्चर, प्रकृति खाना देता है, खाद्य पदार्थ प्रकृति देता है कि संस्कृति देता है? ज़्यादातर आंसर आएगा प्रकृति। कैसे प्रकृति देता है? प्रकृति तो बहुत कुछ देता है। ये हमारा जो कोरोना समय रहा, इसमें तो पता चला लोग क्या क्या खाते हैं। हम तो नहीं खाते हैं, आप तो नहीं खाते हैं, वो भी नहीं खाते, वो खाते हैं। संस्कृति सर्वोपरि है, सदस्यों के लिए बेस्ट है, तो हमें भी जो खाते हैं उनके प्रति भी रेस्पेक्ट है, हमारे प्रति रेस्पेक्ट है, उनके प्रति भी रेस्पेक्ट है। तो और ये जो नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन वाला, ये वो शाकाहारी है, अरे 25 विश्व का 25% तो शाकाहारी है, 75% तो मांसाहारी है। फिर संस्कृति दे, प्रकृति सब कुछ देता है, संस्कृति जो कहता है वही हम खाते हैं। ऑलराइट। तो इस प्रकार संस्कृति अपनी प्रतिक्रियाओं के माध्यम से ही मनुष्य का आवश्यकताओं का पूर्ति करता है। संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान है सामाजिक संस्थाएं, संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान है सामाजिक संस्था। सामाजिक संस्था का क्या काम है? सिर्फ व्यक्तियों का आवश्यकताओं का पूर्ति करना, वो सामाजिक संस्थाओं का। ऑलराइट। तो उसमें ये आएगा कि संस्कृति है क्या। संस्कृति उनके अनुसार
वो उपकरण हैं जिससे जिसके द्वारा व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पूर्ति करने के लिए संस्कृति पर्यावरण के साथ तालमेल रखता है, पर्यावरण के साथ तालमेल रखना। दूसरा, संस्कृति के वस्तु अंतक्रियाएं और मनोवृत्तियों का एक व्यवस्था है, वस्तु अंतक्रिया मनोवृत्तियों का एक व्यवस्था है जिसमें आपस में अंतक्रियाएं करते हैं। तीसरा, संस्कृति एक एकीकृत समग्रता है जिसमें हर अंग एक दूसरे के लिए निर्भरित है। तीसरा, चौथा, क्रियाएं मनोवृत्तियां संस्कृति के अंतर्गत ही पाया जाता है, जैसे परिवार, नातेदारी आदि। पांचवा, संस्कृति के विशेषण कई पहलुओं में किया जा सकता है, जैसे कि शिक्षा, अर्थव्यवस्था, धर्म, ज्ञान, कला आदि। और छठा, संस्कृति की प्रक्रिया में मनुष्य एक दूसरे के साथ अंतक्रियाएं करते रहते, बंधे हुए रहते। इस प्रकार संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद आइए, संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान सामाजिक संस्थाएं हैं। कैसे? सामाजिक संस्थाएं एक लिस्ट ऑफ वर्क देता है, क्या क्रियाएं करना है, कैसे चलना है। वो क्रियाएं व्यक्ति करता है। कैसे करता है व्यक्ति? कुछ नियमों के अनुसार करता है। फिर वो कुछ भौतिक उपकरण लेता है। वो भौतिक उपकरण प्रतीकात्मक हो सकता है या उपयोगी वस्तु हो सकता है। फिर क्रियाएं करता है। क्रिया करने वाले प्रकार होता है। ये देखिए, ऐसे बनाना है संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन, चैप्टर, क्या काम करना है, सूची, पर्सनल, व्यक्ति खुद, नॉर्म्स, नियम के अनुसार करेगा काम, भौतिक उपकरण, मेटेरियल अपरेटस, प्रतीकात्मक हो सकता है, उपयोगी वस्तु हो सकता है, सिंबॉलिक यूटिलिटेरियन हो सकता है। क्रियाएं करेगा तो फंक्शन होगा। आप किसान को लीजिए, टीचर को लीजिए, ऑफिसर को लीजिए, प्राइम मिनिस्टर को लीजिए, सब इसी के अनुसार काम करते हैं। उन्होंने तो ट्रॉबेरी एंड आइलैंडर का बात किया, वहाँ का किसान की बात करिए, वहाँ का लोगों की बात किया। ऑलराइट, तो संस्कृति का सबसे बड़ा योगदान सामाजिक संस्था है, उससे ही उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है आवश्यकताओं का सिद्धांत। आवश्यकताएँ तीन प्रकार का है, प्राथमिक या मूलभूत आवश्यकताएँ, द्वितीयक या उत्पन्न आवश्यकताएं, तृतीयक या एकीकरण के सिद्धांत। प्राथमिक सात आवश्यकताएं हैं, द्वितीयक चार है, तृतीयक यानी प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन सात है। प्राथमिक, ये देखिए, प्राइमरी सात है, सेकेंडरी चार है, टर्शियरी सात। प्राथमिक मेटाबॉलिज्म, उपापचय, कॉमिसारिएट, खाद्य की व्यवस्था। मैंने बताया व्यक्ति को उपापचय नहीं होगा तो व्यक्ति मर जाएगा, तो क्या चाहिए? खाद्य चाहिए। रिप्रोडक्शन, दूसरा प्रजनन, कौन देगा, उसका नियम कौन बताएगा? नातेदार, नातेदारी। तीसरा बॉडीली कंफर्ट, शारीरिक आराम, कौन देगा, कहाँ से, धूप से, जाड़ा से, बारिश से, कौन देगा? शेल्टर देगा, आवास देगा। चौथा सेफ्टी, सुरक्षा के लिए क्या है, प्रोटेक्शन, ठीक है, संरक्षण। पांचवा मूवमेंट, एक्टिविटी, ओके, ग्रोथ, ट्रेनिंग, विकास होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए। कैसे होगा, कैसे होगा वृद्धि? प्रशिक्षण के साथ, जैसे बच्चा जैसे खड़ा होने के, हाँ अब खड़ा हो गया, अब खड़ा हो गया, अब खड़ा हो गया, ऐसे करने से खड़ा होगा ना। कोई बच्चा को ऐसे खड़ा हो गया तो गिर जाएगा, तब तो चोट लग जाएगा, ऐसे करते रहोगे वो मंद बुद्धि हो जाएगा, ऐसा देखा गया है। ग्रोथ के लिए ट्रेनिंग चाहिए। कौन देता है ट्रेनिंग? संस्कृति। हेल्थ और हाइजीन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, कोरोना के समय में सीख गए होंगे, स्वास्थ्य स्वच्छता का ट्रेनिंग कल्चर ही देता है। ओके, अब उसमें ये प्राथमिक के बाद हमें देखना है सेकेंडरी क्या है। सेकेंडरी में क्या है? द्वितीय, संस्कृति के उपकरण, उपभोग के वस्तुओं को उत्पादन करना चाहिए, रख रखाव करना चाहिए और नियंत्रण भी करना चाहिए। उपभोग वस्तु, ये राशन, दाल, चावल, ये सब घर के वस्तु, फ्रीज, फैन, प्रिमिटिव में जो चाहिए, तो प्रिमिटिव की बात कर रहे थे, ट्रोबिरन डायलेंडर्सी, ये सब उपभोग के वस्तु कौन करता है? संस्कृति का प्रतिक्रिया है, आर्थिक संगठन करता है। ऑल राइट, नंबर टू, मानवीय व्यवहार, मनुष्य का व्यवहार भी नियंत्रित होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए उसको। ये सब कौन करता है? सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण, हम द्वितीय कर रहे हैं। तीसरा मानव संसाधन, जिसके द्वारा हर संस्थाओं का रखरखाव होता है,
वो कहाँ से आएगा, मानव संसाधन डेवलप कैसे होगा, ये भी एक नीड है, कौन करेगा, एजुकेशन, शिक्षा की व्यवस्था। और फाइनली चार नंबर में है कि एक प्राधिकार होना चाहिए जो अपने बल के द्वारा अपने आदेशों का पालन करवाए, सबको नियंत्रण में रखे, टेरिटरी को नियंत्रण में रखे, ये कौन करेगा, राजनीतिक संगठन। चार हो गए, चार रेस्पॉन्स क्या क्या है, आर्थिक संगठन, शिक्षा, सामाजिक नियंत्रण, राजनीतिक संगठन, अलग अलग। फिर अब आया आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण का सिद्धांत। इसमें सात है, ये टर्शियरी है, सात है। सबसे पहला क्या है कि प्रजनन चाहिए, अगर प्रजनन नहीं होगा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ेगा, कौन इसके बारे में कहता है, प्रजनन उसमें भी आया था तो इसमें भी है, ये प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन है, एकीकरण का सिद्धांत है, आगे कैसे बढ़ेगा, नहीं तो कौन है, वही नातेदारी, परिवार और कुल, वंश आदि, ठीक है। दूसरा, भौगोलिक क्षेत्र का रख रखाव होना चाहिए, कौन, ग्रामीण परिषद, विलेज एल्डर्स, या यहाँ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लाइक दिस, नगर निगम आदि। तीसरा, शारीरिक, आदिम टोटम समूह, आयु समूह, और जैसे कि लैंगिक विभाजन आदि। स्वैच्छिक समितियाँ भी होना चाहिए, स्वैच्छिक समितियाँ कौन है, क्लब, मनोरंजन के दल, कलात्मक संगठन आदि। ओके, पांचवा, व्यवसाय एवं प्रोफेशन संबंधी, पैसे संबंधी, क्या पैसा है कि कृषक, हाँ, कारीगर, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, ये सब है, ठीक है, ये अगर नहीं होंगे तो कैसे चलेगा समाज। छठा, पद एवं परिस्थिति, जैसे कृषक समाज, दास समाज, अभिजन वर्ग, ये भी होते हैं। सातवां, फाइनल, समग्रता का सिद्धांत, जैसे समाज अजय, समग्रता अजय हो। इस प्रकार ये जो सात है, इनके माध्यम से आपको प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन अचीव होगा और इस प्रकार समाज चलता रहेगा। ओके, उन्होंने कई उदाहरण दिया, बड़ा उदाहरण सबसे कुला, कुला विनिमय होता था, इसमें तीन चीज़ें विनिमय होता, बेगुआ, गेमुआली और बासी। बेगुआ में मावली लाल संघ का हार और सोलावा सफ़ेद संघ का बाजूबंद, ये इम्पोर्टेंट था। और घड़ी सूचक दिशा में मावली, घड़ी के विपरीत दिशा में सोलावा चलता था। फिर ये हो गया बेगुआ, गेमुआली क्या है, यूज करने वाला वस्तु जिसको इस प्रयोग करेंगे, ये आटा और वो नाव और चाकू ये सब है। इसमें क्या होता था, हिगलिंग हगलिंग होता था, बार्गेनिंग होता था, मोल तोल होता था, लेकिन ये छुपा हुआ था प्रकारात्मक। फिर बासी क्या है, कुछ गिफ्ट आइटम्स हैं, ठीक है, थीके? तो उसका उन्होंने कहा ये तो मेन है, वो वेगुआ यानी कि सोलावा मावली को एक्सचेंज करने जाते हैं, उसी से उनका प्रेस्टीज बढ़ता है, उसमें कोई यूटिलिटेरियन आइटम तो है नहीं, और लोगों का प्रेस्टीज बढ़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए करना जरूरी है, लेकिन यूटिलिटेरियन आइटम भी करते हैं वहाँ। दूसरा एक चीज और भी बता, हर रिचुअल तनाव कम करता है, जैसे कि लाइफ साइकिल रिचुअल होता है, जीवन चक्र पद्धति, वैन गैनप ने कहा था, क्या है, बर्थ, प्यूबर्टी और इनिशिएशन, मैरिज एंड डेथ। डेथ सबसे खतरनाक है, मृत्यु, उसमें अगर मृत्यु का रिचुअल नहीं होता, लोग ढेर सारे नहीं आते, लोग आते हैं कहते हैं मरने वाले के अमरता के प्रति विश्वास जाहिर करते हैं, कहते हैं कि उन्होंने जो काम छोड़ा है वो हम सब कर देंगे, डोंट वरी बी हैप्पी, चलो बी हैप्पी तो नहीं कहेंगे इतना जल्दी, तो धीरे धीरे वो परिवार, इतने लोग आते हैं, रिचुअल होता है, तो नॉर्मल सी सामान्य रूप से वापस आता है। इस प्रकार हर रिचुअल महत्वपूर्ण है, ये उन्होंने कहा। क्रिटिसिज्म क्या होगा, वही संघर्ष और परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा, समय को ध्यान में नहीं रखा, हमेशा संस्कृति को ज़्यादा महत्व दिया, इंडिस्पेंसेबल कह दिया, नीड थियोरी को इंडिस्पेंसेबल कह दिया, ये सब चीज़ें उनका क्रिटिसिज्म है। आप पढ़िए, उनका किताबें पढ़िए और उनका विश्लेषण बहुत लोगों ने किया है, उसको पढ़िए। और वैसे मालिनोस्क की थ्योरी महत्वपूर्ण है, इरिप्लेसेबल है, उसका रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता। थैंक यू वेरी मच।